ये देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट और खस्ता कचौड़ी यहाँ पर हुई है बनके तैयार। और आप यहाँ पर कचौड़ी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, और कचौड़ी के अंदर दाल भी काफ़ी अच्छे से भर गई है। तो चलिए इस टेस्टी और मज़ेदार मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी को बनाना हम शुरू करते हैं। खाने की बात शालिनीज किचन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप धुली हुई मूंग की दाल ली है, और दाल को हमें यहाँ पर भीगने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही दाल को गुनगुने पानी में 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था। आप दाल को भीगने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करें। गुनगुने पानी में दाल को लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रख दें। 20 से 25 मिनट में दाल काफ़ी अच्छे से भीग जाती है। तो दाल यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छे से भीग गई है। अब हम दाल के पानी को अलग कर देंगे और दाल को अच्छे पानी से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दाल को अच्छे पानी से धो लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें करना है कचौड़ियों के लिए आटा तैयार। तो कचौड़ियों के लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे। 2 कप मैदे में 1 चम्मच नमक डालेंगे और डालेंगे 1/2 कप तेल, और हाथों की मदद से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो मैदा है इसमें मोइन परफेक्ट है कि नहीं। उसके लिए इस तरीके से हम मैदे को हाथ में लेंगे और दबा के देखेंगे। ये देखिए, ये लड्डू बनके तैयार हो रहा है। इसका मतलब है मैदे में मोइन एकदम परफेक्ट है। मैदे में अगर मोइन परफेक्ट होगा तो कचौड़ियाँ भी एकदम खस्ता बनेंगी। अब पानी डालकर हम आटा तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। कचौड़ियों के लिए हमें यहाँ पर एकदम नरम आटा लगाना है। तो हाथों की मदद से अच्छे से गूंथते हुए हम नरम आटा लगा लेंगे। ये हो गया है आटा हमारा लग के तैयार। तो अब हम आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और कचौड़ियों के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में 4 चम्मच तेल डाला है, और तेल हो गया है यहाँ पर हमारा गरम। तो तेल में डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, और इन सारी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। सौंफ और धनिए से कचौड़ी की जो स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सौंफ और धनिया जीरा हमारा भून गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप बेसन, और बेसन डालकर हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन को भूनने के लिए गैस का फ्लेम लो रखें। लो फ्लेम पे ही आप बेसन को भूनें, हाई फ्लेम पे ना भूनें। अगर आप बेसन को हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा। तो हमें यहाँ पर लगातार चलाते हुए बेसन को अच्छे से भूनना है। बेसन को अच्छे से भून लीजिए, कच्चा नहीं छोड़िए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। बेसन भूनने की सबसे अच्छी पहचान होती है कि बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगती है और बेसन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं बेसन का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें धुली हुई मूंग की दाल। तो दाल डालकर बेसन में हम अच्छे से मिला लेंगे। दाल यहाँ पर हमारी हो गई है अच्छे से मिक्स। तो अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक। नमक आप थोड़ा ध्यान रख के डालें, क्योंकि जब कचौड़ियों के लिए हमने आटा तैयार किया था तब उसमें भी नमक डाला था। तो नमक थोड़ा ध्यान रख के डालें। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हमें यहाँ पर ये जो दाल का मिक्सचर है इसको अच्छे से भूनना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके इस मिक्सचर को हमें लगभग 6 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। चलाना हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर चलाना छोड़ देंगे तो ये जो मिक्सचर है ये पैन में नीचे जल जाएगा। दाल की जो स्टफिंग है ये हो गई है हमारी तैयार। गैस को करेंगे हम बंद और स्टफिंग को छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यहाँ पर आटे की लोइयाँ तोड़नी हैं। तो ये कर ली है मैंने यहाँ पर आटे की लोइयाँ तैयार। और अब हमें यहाँ पर इस लोई की छोटी सी पूड़ी बेलनी है। तो बेलन की मदद से हम छोटी सी पूड़ी बेल लेंगे। ये हो गई है पूड़ी हमारी तैयार। अब हम पूड़ी के अंदर 2 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। ये भर ली मैंने यहाँ पर पूड़ी के अंदर स्टफिंग। और अब हमें यहाँ पर ये जो पूड़ी है इसको बंद करना है। तो स्टफिंग को हम अंगूठे की मदद से अच्छे से दबाते हुए पूड़ी को कर लेंगे बंद। और बंद करने के बाद एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया है पेड़ा हमारा तैयार। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जो पेड़े का मुँह है वो अच्छे से बंद होना चाहिए। अगर पेड़े का मुँह अच्छे से बंद नहीं होगा तो तलते समय दाल बाहर आ जाएगी।
तो ये हो गया पेड़ा हमारा तैयार। अब हम उंगलियों की मदद से यहाँ पर करेंगे छोटी सी कचौड़ी तैयार। तो उंगलियों की मदद से दबाते हुए छोटी सी करेंगे कचौड़ी तैयार। तो ये देखिए एकदम हल्के हाथों से हमें यहाँ पर दबाना है, टाइट हाथों से नहीं दबाना है। कचौड़ी तैयार करने के लिए बेलन का यूज़ ना करें, हाथों की मदद से दबाते हुए कचौड़ी तैयार करें। ये हो गई है कचौड़ी हमारी बनके तैयार। और इसी तरीके से सारी कचौड़ी बना के कर ली है मैंने तैयार। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यहाँ पर कचौड़ियों को करना है फ्राई। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। कचौड़ी को तेल में डालने से पहले गद्दी की मदद से गहरा करके कचौड़ी को हम इस तरीके से दबाएंगे। और तेल को भी मैंने कर लिया है गरम। ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, जब तेल हल्का गरम रहे तभी आप इसमें कचौड़ियाँ डालें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारी कचौड़ियों को इस तरीके से डाल दिया है। और अब हमें यहाँ पर इन कचौड़ियों को बिल्कुल भी नहीं छूना है तेल में। लगभग 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके से इनको छोड़ देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कचौड़ी काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं। तो अब हमें कचौड़ियों को पलटते हुए अच्छे से करना है फ्राई। कचौड़ियाँ यहाँ पर हमारी तल गई हैं और कचौड़ियों को निकाल लेंगे हम तेल से बाहर। और इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ सेक के हम कर लेंगे तैयार। तो ये देखिए ये मेरा दूसरा सेट है, ये भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। और ये जो चार कचौड़ियाँ ये मैंने पहले डाली थी, और ये जो दो कचौड़ियाँ हैं इनको मैंने बाद में डाला था। तो जो चार कचौड़ियाँ ये भी काफ़ी अच्छे से तल गई हैं, तो इनको भी तेल से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों एकदम परफेक्ट कचौड़ी यहाँ पर हुई है बन के तैयार। और ये जो कचौड़ी है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको आप बनाकर 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये 2 से 3 दिन ख़राब नहीं होती है। तो आप एक बार इस मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करें। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसी ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।